दोस्तों, ये खूबसूरत इंडो प्लांट जो देख रहे हैं, इसका नाम है फिलेडेंड्रॉन हाइड्रेशियम, और इसको हार्टली फिलेडेंड्रॉन भी कहते हैं और इसको स्वीटहार्ट प्लांट भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं इस खूबसूरत प्लांट के, और ये देखने में आपको मनी प्लांट जैसा ही लग रहा होगा, पर इसको आप जब अपने घर पर ऐड करोगे तो आप देखोगे कि ये मनी प्लांट से ज़्यादा डेलिकेट इसकी लीव है और बड़ी प्यारी लगती हैं देखने में। ये हार्ट शेप लीव इसकी बड़ी अच्छी लगती है। ये फिलेडेंड्रॉन की एक क्लाइंबिंग वैरायटी है। फिलेडेंड्रॉन में बड़ी सारी वैरायटीज आती हैं और बहुत वेरीगेटेड लीव्स वाले प्लांट्स आते हैं, तो ये उन्हीं में से एक है। इस पर कभी कोई वेरीगेशन नहीं है, ये सिंपल डार्क ग्रीन कलर की इसकी लीव्स हैं और बड़ी अच्छी लगती है देखने में। इसकी लीव्स जब नई ग्रो होती है तो वो हल्का सा ये ग्रीन ना होके थोड़ा सा गोल्डन होती है, फिर बाद में वो ग्रीन हो जाती है। तो इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट नेटिव है साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका का और वेस्ट इंडीज़ का। थोड़ा सा ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, पर हाँ, आप घर पे ऐड करोगे तो बड़ा प्यारा लगता है। ये जैसा कि मैंने बताया, ये फिलेडेंड्रॉन की एक क्लाइंबिंग वैरायटी है, तो आपको एक सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा। इसको आप सपोर्ट मॉस्टिक से दें, या फिर थोड़ा सा सपोर्ट दे के वॉल पर क्लाइंब करवा दें, या फिर हैंगिंग पॉट में लगाएं, बड़ा खूबसूरत लगेगा ये सारे सिनेरियो में। और ये प्लांट मुझे लोकल नर्सरी पे नहीं मिला था, तो मैंने ऑनलाइन इसको लिया। ऑनलाइन ये मुझे पड़ा अराउंड 250 रुपीज़ का। तो इसी प्लांट के बारे में डिटेल में बात करते हैं, इसको करेंगे रिपोर्ट आपके साथ, शेयर करेंगे इसकी सॉइल मिक्सचर और इसकी प्रोपोगेशन के बारे में। इसकी सॉइल मिक्सचर की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने लिया एक पार्ट पीट मॉस, कोको चिप्स, कोको पीट, चारकोल, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट। एक वेल ड्रेन सॉइल बनाई है यहाँ पर, और इसमें कोको चिप्स और पलाइट ऐड किया है। इससे सॉइल में एयर सर्कुलेशन अच्छा बनेगा और रूट रॉट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बिल्कुल भी कम हो जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी नीचे से सॉइल, नीचे से ऊपर से सॉइल को निकाल के फिर जो नई सॉइल बनाई है उसमें लगा देंगे। तो सॉइल बनाते टाइम आपको इतना ध्यान रखना है कि सीधे गार्डन सॉइल या सीधे कोको पीट में नहीं लगाना है इसको, क्योंकि सीधे कोकोपीट या गार्डन सॉइल में लगाते हैं तो उसमें मॉइस्चर बहुत दिनों तक रहता है, एयर सर्कुलेशन हो नहीं पाता है और फिर जड़ें गलती हैं, आपका प्लांट सूख जाता है। तो सॉइल ऐसी बनाएं कि कोकोपीट हो, परलाइट हो, कोको चिप्स भी उसमें ऐड करें, चारकोल ऐड कर लें, जिससे आपकी सॉइल का एयर सर्कुलेशन अच्छा हो और आपका प्लांट मरे नहीं। इसमें ओवर वाटरिंग नहीं हो सकती है, अब इतनी अच्छी ये सॉइल है। तो यहाँ पर फाइनली रिपोर्टिंग हो गई है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक मॉस स्टिक भी बनाई है, इसका वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मॉस स्टिक से सपोर्ट दे दिया है, और अब बारी है इसकी वाटरिंग की। तो आपको पता है फर्स्ट टाइम वाटरिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से वाटरिंग करें, जब तक ड्रेनेज होल से पानी ना आ जाए तब तक वाटरिंग करें इसकी। ये रिपोर्टिंग के 20 दिन बाद का रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप, प्लांट हेल्दी है और अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो जब मैंने मॉस्टिक पे लगाया था इसको, तो इसकी लीफ काफ़ी ज़्यादा नीचे को झुकी हुई थी, बाद में वो सही हो गई। और यहाँ पर आप नई ग्रोथ भी देख सकते हैं, एक नई लीफ निकल रही है, एक निकली हुई है और निकल रही है, तो प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसकी प्रोपोगेशन की अगर बात करें तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल मनी प्लांट जैसी ही इसकी प्रोपोगेशन है। आप इसको, इसकी लीफ को नोट के साथ में कट करें और उस नोट को आप कुछ दिन पानी में रखें। करीब 2 हफ्ते बाद आप देखोगे कि उसमें रूट निकलना स्टार्ट हो गई हैं। करीब 20 दिन बाद जब रूट थोड़ी सी मेच्योर हो जाए, तब उस लीफ को निकाल के सॉइल में लगा दें, आपका एक प्लांट तैयार हो जाएगा। करीब 1 या 1.5 महीने बाद उसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये थी इसकी प्रोपोगेशन, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।